सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39। एक्स और वाई पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस जो शेयर करते हैं वो दो तीन रेशो में शेयर करते हैं। कैपिटल एक्स ने लगा रखी है 2 लाख और वाई ने कितना लगा रखी है 3 लाख। 1 अक्टूबर 2015 को एक्स और वाई क्या करते हैं, लोन देते हैं फर्म को। 80,000 एक्स देता है और 40,000 कौन देता है, वाई देता है फर्म को। तो डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट एंड लॉस को कब, 31 मार्च 2016। ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस, अलग अलग केस दिए हुए हैं। अगर हम बात करें लोन कितना दिया है, 80,000 और 40,000। एक्स ने कितना दिया है, 80,000, और वाई ने कितना दिया है, 40,000, ठीक है ना। और हमारे को रेट दिया हुआ इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का कोई रेट नहीं दिया, तो हम क्या ले लेंगे, 6%, 6% ले लेंगे, ठीक है ना। और इस पर भी कितना ले लेंगे, 6% ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, टाइम हमारे को नहीं पता है, तो अगर हम 8 के अकॉर्डिंग 6% निकालें तो कितना हो जाता है, ये 4800 बनता है, और इसके अकॉर्डिंग बनाए तो कितना बनेगा, 2400 बनता है, ठीक है ना। और 4800 और 2400 दोनों को ऐड करो तो कितना होएगा, 2400 प्लस 4800, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7200 हो जाएगा, ठीक है ना। किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमेशा देना ही देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फर्स्ट केस के अंदर तो है, लेकिन सेकंड केस में प्रॉफिट कम है, थर्ड केस के अंदर प्रॉफिट कम है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, लेकिन फर्स्ट में बनाने की जरूरत ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट क्या दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना दिया है हमारे को, 21,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस की बात करें, अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे को, 21,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि जो एक आइटम है वो किसकी आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है, ना कि अप्रोप्रिएशन की, इसलिए हम यहीं से काट देते हैं। माइनस क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, ये 7200 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 21,000 में से कितना माइनस करना है हमने, 7200 माइनस करना है, ठीक है ना। 7200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 13,800। और यहाँ क्या लिखोगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में, कितना, 13,800। रेशियो दे रखी है कुछ, 3:2 रेशियो दे रखी है, तो डिवाइड कर दो कितना, 13,800 को कितने से डिवाइड करूँ, 5 से डिवाइड करूँ, 13,800 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हर हिस्से में आ जाएगा 2760, ठीक है ना। और इसको कितने देने हैं, फर्स्ट को देने हैं 2 हिस्से, दे दो 2 हिस्से, कितना आ जाएगा, फर्स्ट के हिस्से में आ जाएगा 5520, इसमें से माइनस करो कितना, 13,800, ठीक है। तो सेकंड के पास कितना आ जाएगा, 8,280, ठीक है, 280, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 13,800। तो आपने ऐसे लेके चलना है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड केस की, अगर प्रॉफिट क्या है, बिफोर इंटरेस्ट कितना है, 3,000 दे रखा है हमारे को, तो क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, सेम टी शेप के अंदर बनाएंगे, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया हमारे को, प्रॉफिट दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको देना है, एक्स को देना है और वाई को देना है। एक्स को कितना देना है लोन, एक्स को लोन देना है 4800 और वाई को देना है 2400, ये कितना हो जाता है, 7200, लेकिन आपके जेब में कितने हैं, 3,000, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, 7200, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 7200, नुकसान कितना हो गया, ये हो गया 4200 का। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ क्या नाम, बाय नेट प्रॉफिट आ जाए, बाय नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। और लॉस कितना आ गया आपका, ये 4200, ये कहाँ डाल दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ क्या लिखोगे, टू
टू नेट लॉस, कितना आ गया नेट लॉस, ये आ गया 4,42,000। और अब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स में और वाई में। 4,200 है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर हम बात करें 4,200 की, डिवाइड किससे करोगे, 5 से, तो और हिस्से में कितना आएगा, अगर बात करें 4,200 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 840 आएगा एक हिस्से में। लेकिन कितने हिस्से देने हैं, दो हिस्से तो एक्स को देने हैं, दे दो कितने आएंगे, 1,680, 1,680। और दूसरे को हिस्से में कितने आएंगे, दूसरे के हिस्से में आएंगे 25,20, कितने आएंगे ये, 25,20, ठीक है ना। और यह कितना आ जाएगा आपका, 4,200 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपने इसके अंदर डील करना है। नेक्स्ट अगर तीसरे केस की बात करें, प्रॉफिट देर का इंटरेस्ट के से पहले कितना है, 5,000, तो प्रॉफिट कितना है, 5,000, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना है यहाँ पर, 7,200। तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5,000 आ जाएगा। और ये इतना ही रहने वाला है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय नेट लॉस, नेट लॉस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5,000, ये अमाउंट आ गया, ये कितना है 7,200, तो कितना आ जाएगा ये, 1,200 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो नेट लॉस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1,200 आ जाएगा। अब 1,200 को क्या करोगे आप, लॉस को ट्रांसफर करोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या है 1,200, और डिवाइड किससे करोगे इसको, 5 से। तो 1,200 को अगर 5 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 240। तो एक हिस्से में कितने आएंगे, 240। अगर एक्स के हिस्से में डालने हैं, वाई के हिस्से में डालने हैं, एक्स के हिस्से में कितने डालने हैं, दो हिस्से, तो ये कितना हो जाएगा, 480। अगर हम बात करें 240 और एक हिस्से में कितने डालने हैं, तीन डालने हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 720। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 1,200 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसके अंदर ट्रीट करना है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बात करें, एक एक्स था और एक वाई है, एक एक्स है और वाई है, क्या करें, बाय बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन किया, कितना किया, कैपिटल कितनी लगाई थी, 2,00,000 और 3,00,000, तो ये कितनी है, 2,00,000, और ये कितनी हो जाएगी, 3,00,000। अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो यहाँ पर लोन की बात थी, ठीक है ना, तो लोन तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या मिला इनको, फर्स्ट केस के अंदर एक तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट मिला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट से प्रॉफिट मिला, कितना मिला, 5,520, और यहाँ कितना मिला, 8,280, और यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी, कितना, 2,00,000, ये कितना आ जाएगा, 2,05,520, और सेकंड वाले में कितना हो जाएगा, 3,08,280। तो फर्स्ट केस हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट केस, ठीक है। और सेकंड केस देख लेते हैं अब, सेकंड केस क्या कहता था, कि सेकंड केस में आपको क्या मिला था, एक तो मिला था नेट लॉस, और नेट लॉस क्या किया था, ट्रांसफर किया था। यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट से आया था, कितना आया था, ये आया था 1,680 रुपये, और यहाँ कितना आया था, 2,520 रुपये, 2,520, ठीक है ना। और यहाँ क्या आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 3,00,000 और 2,00,000, तो इसमें से जो बैलेंस बच जाएगा तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी, और तो कुछ मिला नहीं ना हमको, तो हमारा कितना था, ये 2,00,000 था, 2,00,000 में से क्या माइनस करोगे आप, 2,00,000 में से माइनस करो 1,680, ठीक है ना। ये हमारे पास आएगा 1,98,320, ठीक है। अगर सेकंड केस की बात करें, 3,00,000 में से क्या माइनस करना है हमने, 3,00,000 में से हमने माइनस करना है 2,520, तो जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 2,97,480, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे केस की, तो बैलेंस पीडी तो सेम रहने वाला है, तीसरे केस के अंदर क्या था, ये भी लॉस था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, कितना, 480 यहाँ पर आ जाएगा और 720 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, किसमें से, 2,00,000 में से 480 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,99,000, और ये कितना हो जाएगा, 420 आ जाएगा। अगर आप 3,00,000 में से 720 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2,99,000, और ये कितना हो जाएगा, 420
3 लाख में से अगर आप माइनस कितना करते हो, माइनस करते हो 720, 720 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 280, ठीक है ना, ये आपका आंसर बनने वाला है। तो इस तरह से आप बना सकते हो तीनों ही केस में। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।